नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। राइज न्यूज चला गांव की ओर कार्यक्रम की इस खास श्रृंखला में हम विभिन्न पंचायतों में विकास कार्यों की पड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान के भगवानपुर हाट प्रखंड की बिठूना पंचायत के वार्ड नंबर 5, जहां से कुसुम देवी वार्ड सदस्य हैं। कुसुम देवी के पति सह वार्ड प्रतिनिधि दिनेश मांझी का कहना है कि अभी तक उन्हें विकास कार्यों के लिए कोई फंड नहीं मिला है। साथ ही वार्ड में हर घर नल जल योजना के तहत लगे हुए नलकूप गृह की चाबी तक नहीं मिली है। इसकी उन्होंने मुखिया जी से लेकर आला अधिकारियों तक गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में वो अपने वार्ड में विकास कार्यों को गति कैसे दें? हालांकि वो अपने निजी फंड और कोशिशों से अपने वार्ड के विकास की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार, राइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला प्रखंड भगवानपुर हाट पंचायत मिठूना में वार्ड नंबर 5 के पास पहुंचे हुए हैं। कुसुम देवी यहां वार्ड सदस्य जीती हुई है। कुसुम देवी के पति मेरे सामने उपस्थित है, इनसे आप परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार मांझी है। जी जी, मैं बिठूना पंचायत से हूँ। मेरी पत्नी वार्ड सदस्य हुई है और मेरा हमारे जनता को भी सब जनता को नमस्कार। जी जी जी, किस तरह से आपकी पत्नी वार्ड सदस्य जीती हुई है 5 नंबर वार्ड में, किस तरह से अपने वार्ड में लोगों के प्रति विकास देने का काम कीजिएगा? देखिए सर, विकास ऐसा हम करेंगे कि फिर अगले आने वाले भविष्य में भी हम अपना परिचय बनाते हुए बनाकर रहेंगे और जनता को खुश रखेंगे। तो किस तरह से वादा किए थे आपके बार आपके वार्ड में हमने जीतेंगे, तो किस तरह से लोगों का प्रति विकास देने का कार्य कीजिएगा? सर, वार्ड हम अपने वार्ड में बढ़िया से विकास करेंगे। हम कोई भी काम जल ना हो, जैसे कि हमारे रोड का भी हो और शिक्षा का भी हो, यही सब करेंगे। अभी तक आपके नल जल योजना का पानी सारे घरों में पहुंचता है? नहीं सर, नल जल तो अभी बाधित है, जो चल ही नहीं, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। किस कारण से बाधित है? इस कारण से बाधित है कि जो पहले जीती हुई थी वार्डो लोग भी चाबी अभी का जैसे जो हम नहीं मिल रहा है हम लोग का, जैसे जमीन वाला है, जमीन वाला रख लिया, जमीन वाला बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, हमारा जमीन नुकसान हुआ, तो इसीलिए नहीं चल रहा है। इसीलिए आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि हमारे जो जनता है हमारे वार्ड में जो भी है उनको सुरक्षित पानी समय से मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। जी जी जी। तो क्या कभी आपने चाबी नहीं मिलने के कारण कभी मुखिया जी से आपने बात किया था? मुखिया जी से तो बात किए थे, हम ब्लॉक में भी गए हैं, ब्लॉक से वीडियो साहब से बात किए, साहब से भी बात किए हैं। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, देखते हैं। आज तारीख तक तो हम लोग का खाता भी नहीं खुला है। आज कम से कम चुनाव जीते हम लोग का 8 से 8 महीना हो गया ना, अभी 8 से 10 महीना हो गया। हम लोग का अभी तक हुआ कि खाता भी नहीं खुल रहा है, जैसे कि हम लोग का जल नल का कभी भी खराब होता है तो हमारे वार्ड में जो है हमको भी बोलते हैं कि आप जीत रहे को जीत गए, हमारा पानी नहीं मिला है, शुद्ध पानी नहीं, पानी नहीं पी रहे हैं। इसलिए सरकार से आपने क्या वीडियो साहब से क्या मांग करना चाहिए, इस तरह की समस्या से क्या मांगना चाहते हैं? हम लोग वीडियो साहब से यही मांगना चाहते हैं कि हम लोग का इसका उपाय किया जाए, पानी हमारे वार्ड में हमारे जनता को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो इसके लिए हम लोग और ऊपर तक जाएंगे, इसके लिए कार्रवाई जो भी करना होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक आपने 5 नंबर वार्ड में पीएम आवास की स्थिति कैसे है? पीएम आवास की स्थिति सर बहुत अच्छा है, हम लोग का 5 नंबर वार्ड में मिला है सर, हमारे वार्ड में 13-14 घर मिल गया, अच्छा बन रहा है, चल रहा है, एक दो भी छत भी हो गया, छत के सब स्तर पर है काम। अभी उसमें बहुत तो बाधे, उसी लिए सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? उसके लिए सरकार से यही मांग करना है, सब आदमी को जो भी गरीब से नीचे रहने वाले हैं उन लोग को सब लोग का घर दिया जाए, उन लोग को बढ़िया से अपना मकान दिया जाए, इससे कि अपना वो 5 नंबर वार्ड में गली नली की स्थिति कैसा है? 5 नंबर वार्ड में सर गली नली का स्थिति बहुत खराब है, उसके लिए सरकार से क्या मांग करना? सरकार से उससे मांग करें कि हम लोग का गली नली का व्यवस्था उसका किया जाए। रोड की स्थिति कैसा है? रोड की स्थिति सर बहुत खराब, इतना ना रोड की स्थिति खराब है कि हम लोग का मान लीजिए घर में अगर कोई हमारे माँ बहन को डिलीवरी होने वाला है तो रास्ता में ले जाने, मतलब कि रास्ता में ले जाने के लिए भी गाड़ी जो है वो रास्ता में थी, हॉस्पिटल में जाने से पहले ही उस लोग का मतलब बहुत दिक्कत होता है। इसके लिए सरकार से आप क्या मांग करें, यहाँ के रोड की व्यवस्था सही हो जाए? इस यहाँ की सरकार से ही मांग करेंगे यहाँ की रोड की व्यवस्था बढ़िया किया जाए, और यही हमारे कि हम लोग का जो भी हमारे जानता है उन लोग का कोई दिक्कत ना हो जाने आने के लिए, यही कहना चाहेंगे। और नाली की व्यवस्था कैसा है 5 नंबर वार्ड में? सर नाली की तो व्यवस्था ही नहीं है अभी, उसके लिए सरकार से क्या मांग करें? सरकार से इसके लिए देखिए नाली का तो व्यवस्था है सर, किन्तु पानी तो कहीं गिरने का व्यवस्था नहीं है, तो दिक्कत है ना।
कहीं ना कहीं तो उसके लिए सरकार की उसके लिए सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या मांग करना चाहेंगे? उसके लिए भी मांग करना चाहेंगे यही कि उसका भी व्यवस्था किया जाए। अच्छा सर, यहाँ पे 5 नंबर वार्ड में शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है? 5 नंबर वार्ड में शौचालय की व्यवस्था यही है कि कुछ एक ठो हमारे ही बगल में सामूहिक शौचालय मिला था, उसमें आधा हुआ कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ। अभी माने शौचालय है या नहीं है? शौचालय माने बहुत एक शौचालय जिले में जो 5 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड थोड़ा इधर भी पड़ता है, थोड़ा अलग जो 4 नंबर वार्ड है उसमें भी थोड़ा हमारा पड़ता है 5 नंबर के बगल में, तो इधर भी शौचालय बना नहीं है सर। उसके लिए सरकार से क्या मांग? उसके लिए भी सरकार से मांग करेंगे सबके घर घर में सब आदमी का शौचालय होना चाहिए। जी जी। राशन कार्ड की क्या स्थिति है सर? राशन कार्ड की स्थिति की राशन मिल रहा है, कुछ लोग का नहीं है तो अप्लाई किए हैं। जी जी जी। वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन सर मिल रहा है। यहाँ पे 5 नंबर वार्ड के पास पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे 5 नंबर वार्ड साहब का कहना है यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, जैसे नल जल योजना तक अभी तक पानी किसी घर में नहीं जाता है, उसको इनको जल्द से जल्द वीडियो साहब ने इनको फंड लेवल दिया जाए, नल जल योजना कहाँ गड़बड़ है, ताला चाबी तक अभी तक इनको नहीं मिला है, तो जल्द से जल्द इनको ताला चाबी दिलवाने का काम किया जाए, कहाँ से इन्हें देख रेख करें और घर घर पानी पहुँचाने के कार्य करें, कहाँ पे कोई टूटा फूटा और है तो उसको मरम्मत करने के लिए सरकार ने पैसा देने का कार्य करें और इन्होंने बनाने का काम करें, और रोड नलका के कहाँ तक स्थिति है ये भी यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ को कहना है अगर डिलीवरी किसी को हो जाता है, रोड ऐसा खराब है पता चलेगा मरीज यहीं में मर जाएगा, सदर अस्पताल तक नहीं पहुँच पाएगा, उस हिसाब से यहाँ रोडों की जरूरत है। यहाँ पे सरकार से मांग करना चाहता है जल्द से जल्द यहाँ विकास हो।